हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आज की वीडियो में बात करूंगा कि कैसे इंडिया ने सेट करा है $400 बिलियन का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड। ओके, तो काफ़ी बड़ा ये रिकॉर्ड है। क्या सिग्निफिकेंस है इसके, कैसे ये पॉसिबल हो पाया है, ये सब कुछ हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक आप कह सकते हैं स्लाइड में मैं काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो बने रहिए वीडियो में, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि अन अकेडमी पे 27 मार्च को है सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप, जहाँ पे पार्टिसिपेशन करने पे सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप मिल सकती है 15 करोड़ तक की। साथ ही दोस्तों, आप लोग लिए यहाँ पे 20% का ऑफ है अगर आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस वो यूज़ करेंगे तो। ओके, तो काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट आप लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। प्रीलिम्स और सीसेट की टेस्ट सीरीज़ भी हैं अच्छे डिस्काउंट पर, यहाँ पर भी आप लोग को ऑफ मिलेगा, हमारा एजुकेटर कोड यूज़ कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग के लिए गाइडेंस प्रोग्राम भी लाया गया है जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से चालू हो जाएगा, यहाँ पे भी आप एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। अन अकेडमी स्टोर दिल्ली में खुल चुका है, जाइए देख के आइए, एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग को मिलेगा। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या हुआ है। बेसिकली वेनसडे को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया अचीव कर चुका है टारगेट $400 बिलियन का एक्सपोर्ट फिस्कल ईयर 2022 के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी फार्मर्स हैं, वेवर्स हो गए आपके, MSMEs होगी, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, उन सभी की मदद से हम ये सब अचीव कर पाए हैं। इंडिया का दोस्तों ये आपको बता दूं कि एक एम्बिशियस टारगेट था कि वो अपने गुड्स के एक्सपोर्ट से लगभग $400 बिलियन का जो रेवेन्यू है जनरेट हो पाए, और इस टारगेट को पहली बार अचीव कर लिया गया है। इसी बात को ध्यान रखते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है मोदी जी ने फार्मर्स को, वेवर्स को, MSMEs को, मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को, उनकी सक्सेस के लिए। ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन हमें देखने को मिलता है आत्मनिर्भर भारत की जर्नी में। ये सारी बातें जो हैं मोदी जी ने ट्वीट करके बताई है। अभी दोस्तों, क्या सिग्निफिकेंस है कि हम लोग इतना बड़ा जो अमाउंट है इसका, मर्चेंडाइज जो है एक्सपोर्ट की, ये एक फिस्कल ईयर में रखते हैं, तो इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं। देखिए दोस्तों, अचीवमेंट है ये हमारी बहुत बड़ी, और ये ग्रोथ को दिखाती है। ग्रोथ लगभग 21% से ज़्यादा की हमें बताई गई है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। 2019 में बताऊँ आपको, ओके, क्योंकि उसके बाद फिर सारे के COVID-19 आ गया था तो दिक्कत हुई, लेकिन 2019 में जब COVID-19 नहीं था उस टाइम पर हमने अचीव करा था, उस टाइम का हाइएस्ट था $330 बिलियन, जो कि 2019 में था। और फिर अब हमें देखने को मिला है 2022 में लगभग $400 बिलियन। एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी बड़ा जो की फैक्टर है, जो आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा हमें बेनिफिट हुआ है, वो की फैक्टर ये है कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ चुके हैं COVID-19 के बाद। इसके साथ साथ जो हमारी काफ़ी सारी यहाँ पे एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसीज़ हैं जो कि डेवलप करी गई हैं इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हुआ है पेंडेमिक के बाद, उन सब की वजह से भी हमें बूस्ट देखने को मिला है हमारे इंडियन एक्सपोर्ट में। तो ये कुछ रीज़न है जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए हैं किन एरियाज़ में हमें जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। काफ़ी सारे एरिया हैं, लेकिन कुछ की ड्राइवर्स हैं जिनके बेसिस पे ही जो हमें बड़े अमाउंट में ग्रोथ है वो देखने को मिली है। जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, जहाँ पे 49.7% की ग्रोथ ही है मिली है, और ये 11 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के एक्सपोर्ट हो गए, जहाँ पे हमें 42.8% की है। जेम्स ज्वेलरी के एक्सपोर्ट हो गए, जहाँ पे 57.3% है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके भी एक्सपोर्ट में हमें ग्रोथ मिली है, और वो है लगभग 147.6%। ये काफ़ी स्टडी इंक्रीज हमें देखने को मिला है जब यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हैं। ओके, तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको बता दूँ कि मेन जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो इंक्रीज है इम्पोर्ट का
वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है। एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही है दोस्तों इंडिया का, लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्ट भी बढ़ा है, और इम्पोर्ट इस बार पहुंच गया है लगभग 550 बिलियन डॉलर तक, और ये पहली बार है पिछले 11 महीने में। किन चीज़ों का हमने यहाँ पे इम्पोर्ट करा है जिसकी वजह से इतना ग्रोथ है, वो है क्रूड ऑयल हो गया, कोल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स। काफ़ी सारे यहाँ पे हमारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनके प्राइसेस बढ़े हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, और ये काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं हमारे इम्पोर्ट के बिल्स में। क्योंकि दोस्तों जो ट्रेड डेफिसिट है ये भी हमें देखने को मिला है पिछले 11 महीने पहली बार, और जो भी रिकॉर्ड हाई है वो है लगभग 176 बिलियन डॉलर का। हर जगह ग्रोथ हो रही है, चाहे महंगाई हो, चाहे हमारा इम्पोर्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, हर तरफ हमें ग्रोथ मिल रही है। अब कोई ग्रोथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ हमारे लिए नुकसान के लिए भी हो सकती हैं, पर सब कुछ चलता रह रहा है। और ये अच्छी बात है कि भारत देश दोबारा से एक सही राह पे आ रहा है और दोबारा रिकवर हो रहा है कोविड के बाद। ओके दोस्तों, तो यही थी हमारी पूरी आज की वीडियो, जहां पे आप सभी के साथ मैंने डिस्कस करा कि कैसे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये बड़ा है और इम्पोर्ट भी बड़ा है। कुछ रीजन्स हमने पढ़े जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।